नमस्ते, मेरा नाम दीमर है और आज मैं आपको यह शांत लंबन प्रभाव दिखाऊंगा। पहली बात यह सुनिश्चित करना है कि आप सही आकार में काम कर रहे हैं। डिजाइन टैब पर जाएं और स्टोरी साइज पर क्लिक करें। एक बार जब आप अपना आकार दर्ज कर लेते हैं तो ओके पर क्लिक करें। स्लाइड पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट बैकग्राउंड चुनें। पिक्चर या टेक्सचर फिल के लिए रेडियो बटन चुनें और चुनें फाइल। अपनी छवि का पता लगाएं और प्रारूप पृष्ठभूमि पॉपअप छोड़ने के लिए खोलें, फिर बंद करें। क्लिक करें आकृतियों के नीचे के छोटे त्रिकोण पर क्लिक करके और अपनी इच्छित आकृति का चयन करके अपनी आकृतियां बनाएं। एक बार जब आप उन्हें बाहर निकाल लेते हैं तो आकार का चयन करके गति पथ जोड़े, फॉर्मेट पर जाएं और छोटे तीर पर क्लिक करें। मोशन पथ जोड़े, लाइन चुनें और पाथ विकल्प के तहत दिशा का चयन करें। लंबाई को 400 पीक्स, 600 पीक्स और अवधि को 5 के बीच कहीं भी बदले। तो उसी मेनू में गति पर जाएं और हाईलाइट करें धीमा। लंबाई को 400 पीक्स, 600 पीक्स। अवधि को 5 के बीच कहीं भी बदले। आपके द्वारा जोड़ी गई सभी आकृतियों के लिए समान चरणों का पालन करें। ओवरलैपिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप लंबाई राशि 200 पीक्स, 400 पीक्स, 600 पीक्स बदल सकते हैं। एक बार जब आप सभी आकृतियों में जोड़ लेते हैं तो सभी आकृतियों का चयन करके एक छाया लागू करें और फॉर्मेट, शेप इफेक्ट और शैडो।
पर जाएं डॉट प्रभाव के लिए अपने सभी आकृतियों का चयन करें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट शेप पर जाएं, फिल और चुनें स्लाइड बैकग्राउंड फिल। उसी छवि की एक और कॉपी आयात करें। प्रारूप टैब में रंग ड्रॉप डाउन का चयन करके इसे फिर से रंग दें और इसे पीछे भेजें डॉट। मैंने पृष्ठभूमि को काले और सफेद में बदल दिया और छवि पर रंग छोड़ दिया। एक टेक्स्ट चुनें जिसे आप पसंद करते हैं। मैंने कॉपर पॉइंट बोल्ड का इस्तेमाल किया है और आकार को बढ़ाकर 160 कर दें। अरेंज के तहत छोटे तीर पर क्लिक करके इसे स्नैप करें। नीचे स्क्रॉल करें A-Line और चुनें A-Line सेंटर। फ्लोटिंग इफेक्ट प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट लेयर को कुछ शेप लेयर्स के नीचे ले जाएं। पाठ की दूसरी पंक्ति में जोड़े और वही करें। अपने लुक के हिसाब से कहीं भी 120 से 180 का साइज बना ले। इसे अपने अन्य पाठ के साथ पंक्तिबद्ध करें। मैं चाहता था कि यह लंबा दिखे, इसलिए मैंने रिक्त स्थान में जोड़ा। इसे फ्लोटिंग इफेक्ट देने के लिए इसे कुछ शेप लेयर्स के पीछे ले जाएं डॉट। आवश्यकता अनुसार आकृतियों को समायोजित करें।
मैंने लंबे रास्तों में जोड़ा ताकि एनिमेशन पार्ट पर न रुके। Cool.